हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें देसी में सीखो चैनल को और दबाए इस बेल आइकन को ताकि वीडियो मिले सबसे पहले आपको। हेलो दोस्तों एंड वेलकम। दोस्तों आप देख रहे हैं देसी में सीखो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फोटोशॉप से रिलेटेड कोई वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। जिस PSD फाइल चाहिए, बिजनेस कंपनी मैगजीन टेम्पलेट, ठीक है। आप अगर इस तरह के मैगजीन बनाना चाहते हैं या फिर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस मैगजीन को कॉपी करके एडिट करके अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो फुल्ली एडिटेबल है, आप इसे एडिट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके हिसाब में कुछ 10 टेम्पलेट्स होंगे आपके पास जो बिजनेस कंपनी मैगजीन टेम्पलेट होगा, आप इसे आसानी से अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो खैर तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से टेम्पलेट्स है, किस तरह के डिजाइन है, किस तरह का लुक्स है। उसमें कुछ कलर्स भी दिए हुए, मैं आपको वन बाय वन ओपन करके दिखा दूंगा। किसी एक PDF को ओपन करके मैं दिखा दूंगा कि सभी के लेयर्स अलग होंगे, सेपरेट्स अलग होंगे, ताकि आप सभी को मूवमेंट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर इमेज को रिप्लेस कर सकते हैं, इमेज अपनी इमेज या अपने लोगों को आप लगा सकते हैं उस मैगजीन कवर फोटो में। ओके, तो एक और जरूरी बात बता दूं मैं, क्योंकि कल फ्राइडे है, फ्राइडे 6 PM को मैं ऑनलाइन होऊंगा। अगर आप भाई लोग में किसी भाई लोग अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो कल 6 बजे शाम में ऑनलाइन होऊंगा। आप उस टाइम निकाल के आप भी ऑनलाइन रह सकते हैं ताकि मुझसे बात कर सके, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। और हाँ, जैसे कि अभी मोनेटाइजेशन का एक प्रॉब्लम चल रहा है कि आपको 4000 आवर होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। इस वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब पे, क्योंकि वो पूरा नहीं कर पाया, जिसके कारण उसका चैनल बंद हो सकती है। तो इसका कुछ मैंने बहुत सारा स्टडी किया, इसमें मेल भी किया एक दो जगह पे, पता चला कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने एक ऑप्शन बहुत अच्छा सोचा था ट्रांसफ़र यूट्यूब करने का, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। यूट्यूब ने उस चीज़ को भी एक अलग तरीके से कर दिया है कि उसे आप नहीं कर सकते, करेंगे भी तो आपको डेट रिप्लेस नहीं होगा, जो ओल्ड डेट है वही रहेगा। तो इस वजह से उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई थिंक मतलब यूट्यूब का 100% कहना यही कि अगर आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 व्यूज वॉच टाइम नहीं कर पाए तो डेफिनेटली आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा उस टाइप का चैनल चला करके। तो अगर आप चैनल प्रॉपर तरीके से चलाना चाहते हैं तो उस पर अच्छे कॉन्टेंट डालिए, ओरिजिनल कॉन्टेंट डालिए, रेगुलर वीडियो डालिए, ताकि अच्छे से लोग आपको चैनल को पसंद करें, वीडियो को वॉच करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और जल्दी से कुछ ही दिनों में आपके चैनल पे वो सब्सक्राइबर भी गेन हो जाएंगे और वॉच टाइम भी गेन हो जाएंगे। ओके, तो अच्छे चैनल चलाने के लिए आपको 100% अब मेहनत करनी पड़ेगी, उल्टा पुल्टा कुछ करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अब यूट्यूब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया इस चीज़ को लेकर के। तो खैर, ये मैंने थोड़ी सी बातें कर दी यूट्यूब की वजह से, क्योंकि आजकल ये टॉपिक चल रहा है, इस वजह से मैंने थोड़ा आप लोगों सिर्फ आप लोगों से शेयर कर दिया, ठीक है। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं अक्सर लाता रहता हूँ जो आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल होते हैं। ओके, और यहाँ से आप इस बटन पर क्लिक करके यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को यहीं से दूर किया जा सके। खैर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोगों को टैबलेट्स कौन कौन सी है। आज तो हम लोग डेस्कटॉप आने के बाद यहाँ पे देखिए जिप फाइल एक फोल्डर है, फोल्डर को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये फोल्डर ओपन हो जाएंगे। ये आपका वॉल्यूम 11 है, वॉल्यूम 10 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, बिजनेस टेम्पलेट PSD फाइल्स ऐसा कुछ बहुत कुछ है, मैं ऊपर कार्ड में भी डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये जिप फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। सिंपली डाउनलोड करके ओपन करके इसे फोल्डर ओपन कर ले। अब यहाँ पे देखें कुछ 10 फ्लायर्स दिख रहे हैं आपको वन बाय वन, यहाँ पे इसके अंदर इमेजेस भी दिए हुए हैं और ये PSD फाइल दिए हुए हैं। वन बाय वन इमेज को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने इमेज ओपन किया, अब ये देखिए फुल्ली कस्टमाइज है, जैसे कि मैं वीडियो में क्लिक करने से पहले थंबनेल में देखा होगा मैंने कुछ इसी तरह का सेट करके बनाया था। ये फुल्ली एडिटेबल है, आप इसको जहाँ चाहे जो भी टेक्स्ट चाहिए, जो भी लोगो चाहिए, जो भी कलर्स चाहिए, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह के मेरे पास यहाँ पे 10 से, अब यहाँ 10 को भी वन बाय वन दिखाओ तो .jpg, मैंने .jpg कर लिया, वन को ओपन किया और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं इन सारे टेम्पलेट्स को, है ना, कभी कूल है। इस तरह के बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में वन बाय वन लाता रहूँगा आपके लिए, पर वो स्पेस ज़्यादा नहीं होने के कारण मैं अपलोड भी नहीं कर पा रहा, पर अब जैसा जैसा हो रहा मैं आप लोगों के साथ अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारे टेम्पलेट्स को आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अगर ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है तो आप इसे आज ही डाउनलोड करें। और एडिट कैसे करना वो मैं बता रहा हूँ, जिस ये मैंने ओपन किया, आप PDF को ओपन कर ले आप, मैंने ओपन कर लिया PDF को। अब यहाँ पे देखें कि सारे के लेयर्स अलग हो गए,
ओके ये मेरा फोटोशॉप ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए यही बात कलर्स की यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो वन बाय वन सबको ऑफ कर देते हैं, पहले हम ऑफ कर दिया। नीचे वाले को देखे डिज़ाइन थ्री, इसको क्लिक करते ये थोड़ा येलो टाइप का कलर्स है ना, इसे ऑफ कर दिए। इसे ऑन करते ये थोड़ा रेड टाइप का है ना, इसे क्लोज करते इसे ऑन करते ये ब्लू टाइप का। तो ये हर टेम्पलेट आपको तीन कलर में मिलेगी, जो भी कलर चाहिए उसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये रेड वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है, रेड वाला को ओपन रखे, बाकी ऑफ रखे। अब इस ग्रुप को ओपन कर लो। अब ग्रुप को ओपन करने के बाद सारे के लेयर्स यहाँ पे अलग अलग दिख रहे होंगे आपको। लेयर को यहाँ ऑन ऑफ करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन से लेयर में किस चीज़ को एडिट करने से कहाँ से एडिट होगा। अब लोगों को मैंने ऑन ऑफ करता हूँ यहाँ से, ये देखिए इसका एक सेपरेट ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे। इसको चेंजेस करने के लिए अब इस ग्रुप पे काम करना होगा, सिंपली इसे ओपन करें। अब यहाँ पे अगेन आप लेयर को ऑन ऑफ करके पता लगा सकते हैं किस लेयर पे क्या बना हुआ है। अब ये टेक्स्ट का है और यहाँ पे ये लोगों का, लोगों को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं डबल क्लिक करके। यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं कुछ ऐसा, देखें यहाँ पे लाके अपने लोगों डाल सकते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एडिट हो जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से, टेक्स्ट को यहाँ पे ले करके। अगर ये फॉन्ट स्टाइल आपके पास नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ताकि ये स्टाइल सपोर्टेड नहीं हो। अब यहाँ पे टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी लिखना हो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, एडिट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे वन बाय वन आप इसी तरह से लेयर का पता लगा लें आप, ताकि कौन से लेयर पे क्या है आप काम कर पाएंगे। फिर दे इसे ऑन ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सारे जो लोगों से ये इस पे है, सॉरी इस पे हाँ, इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए चार आइकन है कुछ इस तरीके से, सभी आइकन है, आइकन के शेप दिए हुए हैं, सभी सर्कल उसके अंदर का जो कलर है सभी को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से जाकर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर को देखें, ये मैं ब्लैक कर दिया, रेड कर दिया, ओके है ना। तो इस तरह से इस पर डबल क्लिक किया, इसे भी रेड कर दिया, सॉरी। अब पहले पता लगा लगे कि किस में क्या, हाँ इसका कलर ये है सेम, इसको इस पर जाके इसको भी रेड कर देते, सबको मैं रेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से पता लगा, इसे बॉर्डर है ये, इसका ऊपर वाला ये भी बॉर्डर, इसका ऊपर वाला फील है। फील को डबल क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ से डबल क्लिक करते हैं, इसको रेड कर देते हैं, यहाँ से सबको मैं रेड कर दे रहा हूँ, ओके। तो इस तरीके से आप वन बाय वन कलर चेंज कर सकते हैं, एक एक चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपको दिख रही है सारे एक एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको लेयर का पता लगाना है, ऑन ऑफ करना है, और यहाँ पे ये फील है इसको भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर चेंज कर, यहाँ पे जो भी इमेज को आप डालेंगे, जैसे मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं इमेज पे आते हैं या फिर अपने इस पे आते हैं बैकग्राउंड पे आते हैं। बैकग्राउंड पे आने के बाद मैं कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं यूज कर दूँ ये इमेज, ये डाल दिया मैंने, एंटर, क्लोज, यस। अब यहाँ पे वो इमेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, है ना, कुछ इस तरीके से अपडेट हो गया इमेज। यहाँ पे ब्लर में दिख रहे हैं और इधर भी दिख रहे हो। तो इस तरह से आप इमेज को भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। तो इसी तरह से आप एक एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं, वन बाय वन लेयर को ऑन ऑफ करके ट्राई करें, देखें, देन आप डेफिनेटली कर पाएंगे। फिर भी अगर नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम होती है, तो बेधड़क मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा और आपको अच्छे से समझा के बता दूंगा, ओके। आई होप ये टेम्पलेट्स आपको पसंद आई, ये बिजनेस टेम्पलेट्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे आपको, डाउनलोड करेंगे इसे, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप इसे यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। तो अगर पसंद आई वीडियो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी इस फाइल को डाउनलोड कर पाए और अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर पाए। खैर मिलते हैं सर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।